गुड मॉर्निंग, आज है 31 मई और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ अभी है जिनांश और अभी हम यहाँ बैठ के एडिटिंग कर रहे थे। जिनांश उठ के आए और फिर उन्हें गन दिखाओ अपनी, ये देखो इनके पास ये वाली है इलेक्ट्रॉनिक गन, चला के दिखाओ। ये ऐसे करती है बस। तो मैं चाहूँगा जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लड़का जो है वो टूटे हुए क्यूब को सही कर रहा है और उसको 10 मिनट नहीं लगते पूरे क्यूब को बनाने में। वो ऐसे टुकड़े टुकड़े क्यूब को 10 मिनट में जोड़ के फटाफट सब अरेंज भी कर लेता है, जिसका नाम है रिदम, जो चमत्कार दिखाएगा, चमत्कार। हाँ, जादू सिम सिम कर देगा। किसने तोड़ा? तो यहाँ जा रहे हैं हम ग्वारी घाट। सारे बच्चा पार्टी नीचे उतर गया, आर्या धीरे धीरे उतर रही है। तो अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और शाम को वहाँ आरती होती है, बट वो हम नहीं देख पाएंगे, दर्शन करके आ जाते हैं। जा रहे हैं सब बच्चे लोग, नीचे उतर गए हैं, हम यहाँ हैं, आर्या भी उतर रही है। चलो उतरो, आरू उतरो, उतरो। तो हम जा रहे हैं कहाँ? ग्वारी घाट। कौन लेके जा रहा है? तुम पोयम सुना दो एक। बंद नहीं करो कांच। मुझे डांस करना है ना। कांच बंद नहीं करो। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट में भीड़ अभी भी है और बच्चे लोग कर रहे हैं उधम। और भीड़ इसलिए है क्योंकि ये एकदम सिटी का सेंटर है, बड़ा फुआरा जिसको बोलते हैं। तो इस जगह पे रात को 12-1 बजे तक मार्केट यूँ ही चलता रहता है। पब्लिक जो है वो आपको वहाँ दिख जाएगी 12-12:30-1 बजे तक, क्योंकि वहाँ खाने पीने की खूब सारी दुकानें हैं। समोसे, कचौड़ी, जलेबी, पोहा, ये बहुत फेमस है। ए चुक्कू भाई, तो चुक्कू भाई कहाँ है? चुक्कू भाई कहाँ है? अनय उसका चुक्कू हटा। हटा लो। लगभग 25 मिनट लगते हैं। वहीं सो जाओगी? घर से ग्वारी घाट जाने कहाँ पे सो जाओगी? ऊपर करीब गाड़ी के ऊपर 9 किलोमीटर है। वाह, गाड़ी आप चला। बस हम लोग पहुंचने वाले हैं। मैं भी चला। और यहां इनके और हम कंटिन्यू चालू है। पापा मैं कार चला सकता हूं। हां, क्योंकि मेरे पैर उधर तक पहुंच रहे हैं। अच्छा, सच में है? तो बस हम पहुंच चुके हैं ग्वारी घाट। मां नर्मदे के दर्शन हम करवाते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो बस देख रहे हैं पार्किंग कहाँ किया जाए। गाड़ी हमने यहाँ कर दी पार्क और अब जा रहे हैं हम उधर। अब हम आपको नर्मदा दर्शन करवाते हैं। ये
शाम को यहाँ आरती होती है 6-7 बजे, जो हम लोग तो देख नहीं पाए, पर अभी भी काफ़ी भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं और आप लोग दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ है गुरुद्वारा साहिब, वो है गुरुद्वारा। तो जब बाढ़ का टाइम होता है, जब बारिश का टाइम होता है, ये सब डूब चुका हुआ होता है, क्योंकि ऊपर जो जहाँ से हम लोग एंट्री किए हैं वहाँ तक पानी होता है। तो यहाँ बच्चों के उधम शुरू होने ही वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो बोटिंग करने के लिए भी यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप लोग यहाँ जब भी आए बोटिंग कर सकते हैं। वो एक राउंड लगा के आते हैं, 30 रुपये पर पर्सन लोग चार्ज करते हैं। और यहाँ हम घर से आटा लेकर आए थे, तो यहाँ मछलियाँ भी खूब सारी हैं। अगर दिन में हो तो दिख जाती हैं, रात में नहीं दिख रही हालांकि, लेकिन बहुत सारे जो हैं यहाँ, आप आटे गूंथ के छोटे छोटे आटे के बॉल्स आप डालेंगे तो बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ तक आती हैं। अनय आगे नहीं जाओ। तो अनय, आर्या, जिनांश, जिनी सब लोग आटा खिला रहे हैं मछली को। ये मेमोरीज हैं जो हम वीडियो के माध्यम से कैप्चर करके रखते हैं, जैसे आप सभी को पता है, क्योंकि इस तरह के मेमोरीज जब दिन चला जाता है तो आपके पास स्टोर करके रखने के लिए कुछ तो होना चाहिए। पहले हम फोटो रखते थे, एल्बम रखते थे, पर आज के समय जो ब्लॉग के माध्यम से हम डिजिटल, उसमें हम अगर वीडियोज़ को रख सकते हैं तो ये बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंटेशन जैसा होता है। तो यहाँ आर्या सो गई थी, उठ गई, ये देखो ये इसके उधम, और यहाँ उनके उधम चालू हैं। तो एक्चुअली ये जो जहाँ ये लोग खड़े हैं वहाँ एक स्टेप और है, लगभग 10 फीट का स्टेप है, जल्दी देख। और जो पानी में वो लोग खड़े हैं वो करीब 4-5 इंच जितना है। आपके अनाय के हाइट से आपको दिख रहा होगा। जिनांश बहुत उधम सूझ रहा है पानी छिड़कने पर। और एक खास बात मैं बता दूं, जिनाली और जिनांश जो है वो ट्विंस हैं। आर्या आर्या, ये देख वो बोबो, दोनों को उधम करते हैं। यहाँ आर्या को भी नीचे उतरना है। नो, और इनके उधम तो चालू ही है। तो यहाँ चल रहा है उधम, पटक दो इसको, पटक दो। तो यहाँ शांति प्रिय मस्ती से अनय उधर पानी छिड़क के आए हैं। उधर कोई उनका दोस्त मिल गया था। अभी यहाँ और ज़्यादा मस्ती चालू हो गई, सबने अपने कपड़े उतार लिए। अब पानी में इन लोग, क्योंकि अभी मौसम भी सही नहीं है, कभी बारिश कभी गर्मी, इस तरह का मौसम है, तो बच्चे हैं ये कहाँ सुनने वाले हैं। आर्या को देखिए ज़रा। तो यहाँ बोटिंग बहुत अच्छी है, बहुत सारे फैमिलीज आती हैं, बोटिंग करते हैं। लास्ट टाइम जब पापा आए थे तो अनय को लेके हम लोग सुबह सुबह गए थे बोटिंग करने, तो हम लोग सुबह वहाँ जाके बोटिंग कराए थे। और बहुत अच्छी मान्यता है, आप जब भी जबलपुर आए या नर्मदा माँ के दर्शन करने के लिए कभी भी कहीं भी आए तो आपको एक सुकून मिलता है। और अब हम जा रहे हैं वापस घर की ओर, पहले लगभग 11:30 बज चुके हैं। अनय को लग रही थी भूख, और आर्या देखिए वो सिर्फ क्रीम वाले बिस्किट से क्रीम निकाल निकाल के खा रही है, और फिर बाकी भैया को दे दी। तो यही चलता है इनका घर पे भी, ये दे दिया भैया को। तो बताइएगा ज़रूर आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। और हाय बोल दो, हाय हाय कर दो, देखो देखो मैं क्या खा रहा हूँ, क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे। अच्छा तुम खाते हो क्लीम। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ और इस यूट्यूब परिवार को बढ़ाते रहिए, प्यार देते रहिए, दूसरों से शेयर करते रहिए। फिर कल मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।
शुभ रात्रि।